नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां से कितना प्यार करते हैं, कितना लगाव उनका है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। हाँ, वो दूसरी बात है कि काम के सिलसिले में वो बहुत कम अपनी मां से मिल पाते हैं, लेकिन बीती शाम एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को खुश कर दिया। ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ की थी और ये उस दौरान की तस्वीर थी जिस वक्त योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंचे और उन्होंने अपनी मां सावित्री देवी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। योगी आदित्यनाथ के ये संस्कार, उनका ये जो जेस्चर है, ये हर किसी को बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से मिलते ही सबसे पहले उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद उनका हालचाल जाना, कुछ देर वहां पर रुके, उनसे बातचीत की। बदले में सावित्री देवी यानी कि योगी आदित्यनाथ की मां ने भी उनको आशीर्वाद दिया। इस दौरान दोनों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो एक बेहद संतुष्टि का प्रतीक दिखाई दे रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ काफी वक्त बाद अपनी मां से मिले तो खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाए। जिस दौरान वो लोगों को संबोधित कर रहे थे उस दौरान उन्होंने इसका जिक्र भी किया और वो वहीं पर भावुक होते हुए नजर आए थे। अब योगी आदित्यनाथ ने तो अपनी मां से मुलाकात की, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, यानी कि लोग अपनी अपनी राय, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस तस्वीर को लेकर रख रही हैं। यकीन मानिए, तस्वीर इतनी खूबसूरत है कि जो कोई भी देख रहा है वही इसकी तारीफ कर रहा है। इसी कड़ी में जानी मानी पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी इस फोटो को ट्वीट किया और साथ ही साथ उन्होंने लिखा माँ, यानी कि वो भी इस फोटो को देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा माँ, और ये एक शब्द ही उनके सारे जो फीलिंग्स हैं, जो सारे उनके अरमान हैं, उनको बयां करने के लिए काफी था। माँ शब्द अपने आप में काफी है। यही वजह है कि रूबिका लियाकत ने सिर्फ माँ लिखा और उसके बाद से ही लोग ये समझ गए कि वो क्या कहना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ और उनकी माँ की तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। न सिर्फ रूबिका लियाकत बल्कि हर आमो खास इस तस्वीर को खासा पसंद कर रहा है। पौड़ी गढ़वाल पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने अपनी माँ से मिलने से पहले क्या कुछ कहा था, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से नौवीं क्लास तक यहां पर पढ़ा था, हांगर में, चंपोट थाल में। नौवीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं है, लेकिन छह हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बरमरा जी, सत्य प्रकाश बड़पाल जी, श्री हरिप्रसाद उनियाल जी, इन छह
गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे केवल उत्तराखंड के नौजवान से एक बात कही, मैं देख रहा था, मैं बहुत बार देखता हूं सुनता हूं, और त्रिवेंद्र जी ने जब यहां पर मुख्यमंत्री थे उस समय यहां पर एक उत्तराखंड का उन्होंने एक आयोग भी बनाया था, प्लायन आयोग बनाया था, और मुझे उस समय इस बात को लेकर के खासतौर पर इस बात की चिंता होती थी कि आखिर उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। यहां पर जितनी अच्छी शिक्षा है, जितना अच्छा माहौल है पठन पाठन का, जितना प्राकृतिक सौंदर्य है और जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि यहां का युवा जहां कहीं जाएगा वह अपनी प्रतिभा का दोहा अवश्य बनवाएगा, लेकिन उसे विश्वास होना चाहिए अपने आप पर। हम लोगों ने भी यहीं पर रहकर पढ़ा है, यहीं पर रह के जाना है, कोई अतिरिक्त व्यवस्था के साथ हम लोग नहीं जिए थे। लेकिन आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो लोक जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार भी बनती है। आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा 2014 के बाद, कैसे पूरा देश आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे पूरे देश के अंदर एक नई ओज है, एक नया तेज है, लोगों के मन में एक नया उत्साह है। कारण है देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर खड़ा हो चुका है, देश नई अंगड़ाई के साथ आगे बढ़ रहा है। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी जब उत्तराखंड आते हैं, एक बात के लिए आप सबको बार बार कहते हैं कि हमें अपने आप को समझना होगा। उत्तराखंड का पानी भी और उत्तराखंड का जवानी भी पूरे देश के काम आता है, और खासतौर पर मैं जब यहां उत्तराखंड से गया था तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि सन 2000 के पहले के जो लोग हैं वे सब भी उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं। मूल रूप से जन्म उनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनका जो मूल सर्टिफिकेट होगा उसमें उत्तर प्रदेश ही लिखा होगा। उसके बाद जिनका जन्म हुआ होगा वे लोग अपने को अपने नाम के आगे उनका उत्तराखंड लिखा जा रहा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विकास में मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और मैं इसके लिए आप सबको हृदय से अभिनंदन करूंगा कि अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार के गठन में अपना योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड के अंदर सरकार बनवाने में अपना योगदान दिया। आज सरकार यहां पे कार्य कर रही है। मूर्ति यहां पर चुनाव के पहले ही स्थापित हो गई थी, लेकिन समय न मैं दे पा रहा था और न ही कार्यक्रम बन पा रहे थे। कोरोना का भी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से हम लोग उभरे हैं, और उस बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, लेकिन कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में टीका, फ्री में राशन, हर जरूरतमंद, बीमारी कोई भी बीमारी होती थी, महामारी कोई भी होती थी, दुनिया के अंदर सदी की पुरानी महामारियों के इतिहास को अगर आप देखेंगे एक बात रही है कि जितनी मौतें बीमारी से होती थी उससे कई गुना मौतें उसके बाद उसके साइड इफेक्ट से होती, साइड इफेक्ट का मतलब भूखमरी से होती थी, या उसके बाद जो कमजोरी आती थी, जो तमाम प्रकार के नवी कृतियां आती थी उससे ज्यादा मौतें होती थी।
पहली बार है जब सरकार ने बीमारी की रोकथाम के लिए भी प्रभावी व्यवस्था की, फ्री में टेस्ट की व्यवस्था की, फ्री में उपचार की व्यवस्था की, फ्री में वैक्सीन का व्यवस्था की। देश के अंदर फ्री में वैक्सीन, उत्तराखंड में तो सभी लोगों को डबल डोज लग चुका है। और कितना बड़ा रक्षण का कार्यक्रम, टीका अनुरक्षण का कार्यक्रम देश के अंदर चला है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 31.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक वहां के लोगों को दे चुके हैं, फ्री में, सब कुछ फ्री में उपलब्ध करवाया गया।